के दशक में बॉलीवुड के कई सितारों का बोलबाला था। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाला वक्त हिंदी सिनेमा को एक नायाब कोहिनूर देने वाला है। उस दौरान साल 1965 में फिल्म फेयर और यूनाइटेड प्रोड्यूसर ने एक साथ मिलकर टैलेंट हंट शो का आयोजन किया, जिसमें एक जतिन नाम के युवक ने भी भाग लिया और शो को जीत लिया। यहीं से जतिन का मुंबई आने का रास्ता साफ हो गया था। और उसके बाद जब जतिन ने हिंदी सिनेमा में एंट्री की तो उन्होंने अपना नाम जतिन से बदलकर राजेश खन्ना रख लिया। भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले राजेश खन्ना ने फिल्मी पर्दे पर जितना रोमांस किया, असल जिंदगी में भी रोमांस की उतनी ही चाशनी घुली रही। राजेश खन्ना का कई अभिनेत्रियों के साथ नाम भी जुड़ा, लेकिन उन्होंने एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया के साथ अपना घर बसाया। उनकी शादी के बाद अभिनेत्री अंजू महिंद्रू ताउम्र कुवारी रही। बताया जाता है कि राजेश खन्ना ने साल 1973 में जब डिंपल कपाड़िया से शादी की तो उन्होंने जानबूझकर अपनी बारात अंजू के घर के नीचे से निकाली। बस इसी बात से नाराज अंजू और राजेश खन्ना के बीच रिश्ते में इतनी खटाश आ गई थी कि उन्होंने करीब 17 साल तक एक दूसरे से बात भी नहीं की, जिसके बाद दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला साल 1988 में जाकर शुरू हुआ। वहीं साल 2012 में जब राजेश खन्ना का निधन हुआ तब अंजू महिंद्रू को ही उनके पार्थिव शरीर के पास खड़े हुए देखा गया था। आपको बता दें कि 18 जुलाई साल 2012 को राजेश खन्ना ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। ऐसे में आज राजेश खन्ना की 10वीं डेथ एनिवर्सरी है और उनकी इस पुण्यतिथि पर नमन सत्य न्यूज परिवार श्रद्धांजलि अर्पित करता है।